गोट फार्म पर नए साल मतलब कि कुर्बानी के बाद के सीजन के बकरे आ चुके हैं और बहुत आवाज आ रही हो। तो ये नज़ारा मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया, किसी को भी नहीं दिखाया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे जाने ही वाले हैं। तो आप लोगों को खुल के शौक कराते हैं बकरों का, मजे करो, खुश रहो और माशाल्लाह बोलो ताकि हमारे जानवर भी सेफ रहे और आपका भी शौक पूरा हो। तो फिलहाल हमारे मुंबई वाले बकरे सब जा चुके हैं, बस ये नेक्स्ट ईयर के कुछ बकरे बचे थे और आज कल में ये मुंबई से जो दिल्ली वाले बकरे हैं, दिल्ली वाले लोगों के, उनके बकरे हैं। तो ये अलबक्स के लिए पट्टे वट्टे लगा रहे हैं क्योंकि ये भी जाने वाला है। अभी देखना आप जिस जिस बकरे के गले में पट्टे डलेंगे, वो हमारा बकरा खड़ा है रबाब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत नायाब बकरा है। ये जा रहा है अलबक्स, जा रहा है ये बकरा, जा रहा है माशाल्लाह वो बकरा जा रहा है। शौक करो, दुआएं दो, ये जा रहा है एंड ये बाद में जाएगा, वो जा रहा है, ये जा रहा है, दो तीन चार पाँच और एक ये अलबक्स, छः और एक ये सात। तैयारी देखो दोस्तों, बस सिर्फ तैयारी कि क्या हम लोगों ने मेहनत करी है, क्या लोगों लगता है आपको हमारी तैयारी के लिए और कैसा आपका है बताना सब कुछ। भाई साहबान लाइट लगा सकता है क्या यार, प्लीज लगा दे, मैं थोड़ी सी बाहर निकाल के वीडियो बना लूँगा बकरों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान। प्लीज़ भाई लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना, ये फर्स्ट टाइम है कि साबरी गोट फार्म पर आप इस तरीके से बकरे देख रहे हो, बड़े बकरे स्पेशली। हम लोग हाइड रखते हैं क्योंकि लोगों के पैसे लगे होते हैं इन बकरों पर, नज़र अच्छी बुरी सारी होती है, लेकिन अब इनका टाइम आ चुका है, जाएंगे तो अल्लाह हमारी नियत कबूल करे। अल्लाह ने हमारी मेहनत रखी, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश कि आज अल्लाह का शुक्र एक सक्सेसफुल सीजन में बोल सकता हूँ कि अल्लाह ने करा दिया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आज रात को बकरे यहाँ से जाने वाले हैं वो कैसे बकरे हैं, देखना माशाल्लाह बोलना और शौक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, फॉलो करना, ठीक है, ताकि और अच्छे अच्छे बकरे हम लोग आपको यूट्यूब पर दिखाते रहे। क्योंकि देखिए बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों का शौक ना हो तो बेकार है, लेकिन अगर आप लोग अपना शौक करने के बाद हमारा फ़ायदा ना करो तो वो भी बेकार है। तो हमारे फ़ायदे के लिए लाइक शेयर कमेंट याद से करना, जितने लोग चाहते हैं कि कादिर को प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट यानी कि आप लोगों का जो ग्रुप है वो बढ़े और मेरे पे जिम्मेदारियां बढ़े, क्योंकि जब हमारे व्यूज़ अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि तो फिर मेरी जिम्मेदारियां बढ़ेगी कि यार बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी अपडेट करनी है। तो सबसे पहला बकरा मैं खुद से ही पकड़ के दिखाऊंगा, पहले गुलफाम भाई को बोलता हूँ, अगर वो दिखा पाएंगे तो उन्हीं से दिखवाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। गुलफाम भाई क्या दिखाने वाले हो? ये बकरा अपना, क्या नाम है बकरे का? क्या नाम? रबाब। रबाब माशाल्लाह, तो रबाब आप लोगों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सेल्फ फीडिंग साबरी गोट फार्म का पलाई रिजल्ट। ये बकरा हमारे फार्म पर आया था 80 से 85 केजी आई थिंक, और जब ये आया था इसकी बिफोर आफ्टर की वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी आप सिर्फ शौक करिए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इधर आना आप, फुल फार्म भाई यहाँ पकड़ो बकरा, मैं बकरे को वहाँ से दिखाऊंगा। हमारे फार्म का माशाल्लाह माशाल्लाह रबाब, ये पहला ऐसा गुजरी है जो हमारे फार्म से तैयार हुआ है। अभी तक हमारे फार्म पर मोस्टली बिटल तैयार होते थे। ये है हमारे फार्म का रबाब, आप लोग बकरे का शौक करिए और प्लीज माशाल्लाह जरूर बोलना। हमारे फार्म से पहला बकरा तैयार हुआ है गुजरी का इतने हैवी वेट पर, अब तक के हमारे फार्म से बिटल तैयार हुए थे, लेकिन इस साल हमारे फार्म से वजीर निकला, पहलवान निकला और थर्ड बकरा ये है। इस बकरे की बनावट बहुत अच्छी है, हाइट इसकी 44 है, 44 हाइट पर माशाल्लाह माशाल्लाह 135 से 140 किलो बॉडी वेट ये बकरा भी है माशाल्लाह, और बहुत ही शांत बकरा है, बहुत प्यारा बकरा है, बहुत लाडला बकरा है हमारा माशाल्लाह। पैर वैर का साइज और बकरे के अंदर माशाल्लाह बनावट, खूबसूरती, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अल्लाह इसको बद नज़र से बचाए और हमारे फार्म पर इस तरह के बकरे और अल्लाह ताला तैयार करवाए। कैसा लगा गुजरी बकरों हमारे फार्म का बताना, और जिस भाई को इतने बड़े बकरों का शौक हो, जिन लोगों को लगता हो कि हाँ इस तरह के बकरे हमें भी चाहिए और हमारे भी कुर्बानी में वो लोगों को लगते हो, तो वो लोग प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना पर्सनल में, मैं इंशाल्लाह नंबर लगा दूंगा। ये बकरे बहुत प्राइम होते हैं भाई और ये नॉट फोर सेल ये जा रहे हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बकरों के शौकीन हैं, बहुत सारी जगह पर लोग अपने पलाई रिजल्ट दिखाते हैं, मैंने सिर्फ आपको मेरे पलाई रिजल्ट का एक ट्रेलर दिखाया है कि हमारे फार्म के तैयार बकरे कैसे होते हैं। भाई इसको थोड़ा इधर लाना चला के, और इतने माशाल्लाह सेट, उस तरफ जाकर उस तरफ, ये इधर लाओ, ये देखिए माशाल्लाह, थोड़ा सा पीछे ले जाना, उधर को घुमा के इधर ले आना, थोड़ा सा पीछे चले जाना आप मेरे से ना, ये देखिए माशाल्लाह। अब लाओ इस तरफ, लाओ मेरी तरफ, ऐसे घुमा के ना, ऐसे ले जाना, ऐसे
बस 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 ये देखिए भाई बकरा माशाल्लाह पूरे फ्रेम में अब आया है। तो जिन लोगों को इस तरह के बकरे तैयार कराने हो, इस तरह के बकरों की कुर्बानी करनी हो, जिन लोगों को इस तरह के बकरों की नीड हो, तो वो पर्सनल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उन लोगों के बकरे भी अपन लोग इसी तरीके से तैयार करके देने की कोशिश करेंगे। देखिए ये करने वाला अल्लाह है, हम लोगों ने मेहनत करी है माशाल्लाह, मेहनत आप लोगों को दिख भी जाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला बकरा हो गया, अभी और भी बकरे इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं। भाई अलबक्स को ले आना, छोड़ दो उसको, छोड़ दो अलबक्स को ले आओ। ये तो अभी गर्मी का मौसम है तो बकरे माशाल्लाह पूरे रिलैक्स हैं। और फिनिशिंग देख लो बकरे की, फेस लुक देख लो। इन बकरों को देखने के बाद आप वापस से गुजरी बकरों पर आ जाओगे, लेकिन अभी हमारे पंजाबी बकरे भी आएंगे तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी ब्रीड बेस्ट है। दोनों ही माशाल्लाह अच्छी है, दोनों के अपने शौकीन हैं, लेकिन माशाल्लाह इस बकरे की खूबसूरती की कोई तोड़ नहीं है। ये साल इंशाल्लाह रबाब के नाम रहा, गुजरी बहुत माशाल्लाह तैयार रहा। और हो सकता है कि मेरे पास वो वर्ड्स ना आ रहे हो उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप लोग खुद समझना। और अभी हमारे फार्म पे एक बकरा और आएगा अलबक्स, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे शेप में है बकरा, और उसके भी आपको शौक कराएंगे, वो भी देखना। और माशाल्लाह बोलना ताकि नज़र से बचा रहे जानवर, अभी कुर्बानी में टाइम है 10-12 दिन का, और आज इन बकरों की रवानगी, आज इन बकरों को जाना है। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है क्या नहीं, बट अभी मैं आपको बकरा दिखाता हूँ। भाई उसका लाना, उधर ही ले जाओ जहाँ बकरा खड़ा। तो ये रहा हमारे फार्म का अलबक्स माशाल्लाह। बस भाई दिखाना, ये देखिए ये 115-120 किलो बॉडी वेट पर है, छोड़ दो भाई इसको, ये 115-120 केजी के बॉडी वेट पर है माशाल्लाह। और सीना वगैरह इसका भी चेक कर लीजिए, रबाब को के साथ अगर खड़ा होगा तो थोड़ा हल्का ही दिखेगा, लेकिन माशाल्लाह है बहुत अच्छा, पूरा फिट एंड फाइन बकरा है। और पूरा शाइनिंग वाइनिंग की बहुत अच्छी चीज़ है, शाइनिंग वगैरह बहुत माशाल्लाह आई हुई है बकरों पे। भाई चलाना इसको, इसके भी चलने वलने का इंतजाज आप देखोगे तो आपको बड़ा पसंद आएगा। ये इस तरफ, ये देखिए माशाल्लाह, इस तरफ जाना भाई, इस तरफ लाइट नहीं है। ये देखो माशाल्लाह बकरे में पूरी माशाल्लाह चमक चलन उस, बस भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अजमेरों में आएगा, वो गुजरी है, ये अजमेरा है, ठीक है भाई। इसके बाद बकरा नंबर 3 लाना पंजाबी, माशाल्लाह ब्लैक कलर वाला वो लाओ, ये वाला पंजाबी कोई सा भी ले आओ, फटाफट ले जाओ, सारे बकरे इसी ब्लॉग में दिखाएंगे आज ना, ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो उस वजह से हम आपको सारे बकरे इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो ये एक हमारे भाई हैं दिल्ली वाले दरियागंज के, ये उनके बकरे हैं और ये आज जा रहे हैं, तो 2 बकरे ये हो गए माशाल्लाह। और अभी उनके 7 बकरे आज जाएंगे फार्म से कुर्बानी के लिए, तो आज आपको ये भी दिखाता हूँ। भाई परे भाग रहे हो तुम बकरों से, ये तो ये देखिए एक और बकरा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। पीछे जाओ मेरी तरफ मत आया करो, थोड़ा परे रहा करो माशाल्लाह, बस अब ऐसे घूम जाओ। ये बकरा नंबर 3 है, रुकेगा नहीं, बहुत माशाल्लाह पैरों का बकरा है, बहुत पोटेंशियल वाला है। इस तरफ ऐसे, मुझे कैमरा एंगल ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि हमारे फार्म पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, हमने पीछे लाइट लगाई हुई है और इस पर प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही है। छोड़ दो इसको, छोड़ दो छोड़ दो, और ये फीडर की तरफ ज़्यादा भागेगा क्योंकि अभी बकरा खा रहा था चने, चने से हटके लाए हैं बकरे को, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह हर साल इस तरीके के बकरे हमारे फार्म से निकलवाए। भाई इस तरफ लाइट नहीं आती, बस इस तरफ ही रखना, बस ऐसे ही रखना, जहाँ रहने दो, बस उसको ऐसे ही कर दो ऐसे। ब्यूटी देखिए माशाल्लाह, बस 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 बस। तो ये बकरा नंबर 3 है भाई, चौथा बकरा ले आओ, ये 135-140 किलो का ही बकरा है। ये भी ये पंजाबी में आएगा, पंजाबी बकरों के अंदर खास बात ये रहती है कि 135 पे आपको रबाब दिखाया पूरा कंप्लीट था, और 130, 135 और 140 केजी के बीच का ये बकरा दिखाया जो बिल्कुल खाली खड़ा है। तो ये फ़र्क होता है पंजाबी में कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये जितना भी साल पालो आप पाल लोगे, इनकी कभी कैपेसिटी पूरी होती ही नहीं है। अब आएगा बकरा नंबर 3, इसकी 42-43 की हाइट है, रबाब की 44 है, अच्छा वो जो अलबक्स है उसकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट है, मेज़र नहीं करी लेकिन 43 हाइट उसकी भी है। और अब ये आया 46 इंच का बकरा माशाल्लाह पंजाबी में, बनावट वगैरह आप चेक करिए बकरे की। छोड़ दो भाई इसको भी, इसकी भी आप लोग बनावट और ब्यूटी चेक करिए, इतने भारी वेट पर भी बकरे ऐसे खड़े हैं कि एक साल बहुत ईजिली पलट
अगर पलटी करना चाहे तो बहुत इजीली पलटी हो जाएंगे। और कलर पैटर्न का बादशाह है माशाल्लाह, स्किन क्वालिटी बहुत प्यारी है, फेस ब्यूटी, प्योर बीटल है। तो ये हमारे फार्म के बीटल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करो आप क्वालिटी को। एक, दो, तीन एंड रबाब, चार बकरे हो गए, अभी तीन बकरे और रहते हैं जो जाएंगे फार्म से हमारे कुर्बानी के लिए दरियागंज, जामा मस्जिद के पास पड़ता है। दो, एक गुजरी है, एक अजमेरा है और बाकी पंजाबी है। और अभी ये बकरे की खूबसूरती का माशाल्लाह कोई जवाब ही नहीं है, माशाल्लाह मक्खन क्वालिटी है। ये लो भाई, बस भाई थोड़ा पीछे, साबरी गोट फार्म आप लोगों के लिए सेवा में हाजिर है। और क्वालिटी, ब्यूटी, बनावट सब एक नंबर है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी 44 की हाइट पर है, ये 46 है, ये 44 की साइज है। लेकिन इन बकरों की आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये इतने वजन पे भी बकरे ऐसे लगेंगे कि कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इनको अभी और ज़्यादा ज़रूरत है खिलाई पिलाई की और ज़्यादा ज़रूरत है पलाई की। तो इनको आप जितने भी साल रखना चाहो रख सकते हो, ये 4-5 साल, 3 साल, 3.5-4 साल बकरे पलने वाले बकरे होते हैं और ये बढ़ते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। इन बकरों के पैरों के साइज़ देखना, क्वालिटी देखना, खेलने कूदने की चंचलता देखना, इन बकरों के अंदर इतनी जान होती है माशाल्लाह कि आराम से पलटी हो जाएंगे। देखो मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिखाता हूँ भाई, इसको लेके आना। देखो ये बकरे आपने देखे, अभी वो बकरा एक और आ रहा है। तो ये तीन बीटल आपने देखे, तीनों बकरे 135, 130, 140 है और एक बकरा ये आ रहा है 140। तो ये होती है कैपेसिटी पूरी होना। इस बकरे में पोटेंशियल नहीं, बकरे में पोटेंशियल नहीं है अगले साल की, लेकिन इसमें है, ठीक है। तो पंजाबी बकरे यूँ मुझे बेस्ट लगते हैं कि इनके पैरों में बहुत जान होती है। ये देख लीजिए रबाब की ट्रांसफॉर्मेशन, 3 नवंबर 2023 यही बकरा है। और ये देखिए माशाल्लाह, अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी, अलबक्स आपके सामने, 46 का आपके सामने, 43 का आपके सामने, अब आता है आपके सामने 43 का एक और पंजाबी माशाल्लाह। इसका पट्टा थोड़ा टाइट हो रहा है भाई, जब भी फ्री होंगे तो थोड़ा ढीला कर देना, ठीक है, गले पे से ना। एक बकरा और रह गया, वो भी लेके आओ, सबसे हैवी वेट का बकरा है पंजाबी का, वो भी आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर का बकरा रहता है। शौक करिए माशाल्लाह, क्या लेवल के बकरे हैं, सब फुल तैयार है माशाल्लाह। बस आपको एक डिफरेंस आप मैंने आपको बता दिया कि पंजाबी बकरों के अंदर बहुत पोटेंशियल होती है दोस्तों। और जिन लोगों को बहुत बड़े बड़े बकरे पसंद है और जिनके बकरे नहीं भी बिकते, अगर वो पलटी भी करना चाहे तो ये बकरे ऐसे हैं कि अगर इनको ना भी बिकते तो भी ये बकरे बहुत ईजिली एक साल पल जाते, परेशान ना करते। ये हमारा अलबक से माशाल्लाह हमारे फार्म पे बना है। और एक बकरा ये आ रहा है माशाल्लाह भाई, इस तरह बकरा नहीं दिखा करता गुलफाम भाई, ऐसे दिखता है बकरा, सिखाना पड़ता है। और ये देखिए माशाल्लाह, भराई लुक में सेल्फ फीडिंग, 155 kg माशाल्लाह सेल्फ फीड भाई, आगे लेना। और अभी भी पैरों की ये बोल रहा है कि कादिर भाई एक साल और पलवा लो, तो 15-20 किलो और उठा लूँगा इंशाल्लाह, लेकिन इसको इस साल कुर्बान होना है। और तैयारी देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शॉर्ट हाइट है बिटल में, इसको शॉर्ट हाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 42 की हाइट है, बिटल में शॉर्ट ही माना जाएगा इनके सामने, 43-46 वाले बकरों के सामने। और देखना माशाल्लाह कैसे मक्खन की तरह चमक रहा है। इस पर मेरे पास एक गोल्डन कलर की चैन थी वो डालता, लेकिन वो शायद से हमारे फार्म से कोई लेकर चला गया, किसी कस्टमर का बकरा गया था वो उसके साथ चली गई है। नहीं तो इस पर तो इतनी प्यारी लगती ना माशाल्लाह, इतनी प्यारी लगती, बहुत बहुत माशाल्लाह बकरे हैं। तो ये उनकी कुर्बानी के बकरे हैं जो जा रहे हैं दरियागंज दिल्ली में। दिल्ली वालों के लिए भी एक मैसेज है कि कैसे बकरे बने प्लीज़ बताना भाई लोग। और भी अभी दिल्ली वालों के इससे भी हैवी वेट के बकरे हैं जो जाएंगे जुमेरात को, बट उस टाइम तक मैं दिल्ली नहीं रहूँगा, ना मैं रुड़की रहूँगा, मैं मुंबई में रहूँगा। तो बट उनकी भी इंशाल्लाह अभी वीडियो शूट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह जब वो लोड होंगे तब उनको वीडियो पब्लिक कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इसका पट्टा टाइट है, हाँ फुल हो रहा है। चलो इनको अंदर कर दो, खिला लो इनको, ठीक है, खाने पीने दो इनको, फिर ये चले जाएंगे। तो जो ये खा रहे हैं इनको खाने दो, ठीक है भाई। कैसी लगी वीडियो प्लीज बताना, बकरों का शौक हुआ या नहीं हुआ बताना। पूरे साल आप लोगों को वेट कराया है कि भाई कब दिखाओगे कब दिखाओगे कब दिखाओगे, तो अब दिखाने शुरू कर रहे हैं, तो बोर हो जाओगे देखते देखते, लेकिन मजा आएगी। तो कैसे लगे बकरे प्लीज कमेंट करके बताना, यस और नो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।